दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। मैदान पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, विल यंग ने लिया रिव्यू तो भड़के अश्विन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट में मैच के चौथे दिन मैदान पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के तीसरे ओवर में अश्विन ने विल यंग को 2 रन पर LPW आउट कर दिया। विल यंग को ऑन फील्ड अंपायर ने आउट करार दिया, लेकिन यहां पर यंग के पास रिव्यू लेने का मौका था। विल यंग बातचीत करने के लिए अपने साथी टॉम लैथम के पास पहुंचे और उनसे जानना चाहा कि वह आउट है या नहीं। इसी बीच रिव्यू लेने का टाइम बीतता जा रहा था। अश्विन की नजर इसी बात पर थी कि जल्दी से टाइम बीते और वो विकेट का जश्न मनाए। दोस्तों आपको बता दें, विल यंग से यहां पर एक भारी चूक हो गई और उन्होंने रिव्यू लेने में देरी कर दी। विल यंग ने रिव्यू तो लिया लेकिन तब तक टाइम बीत चुका था, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को फैसला सुनाने के लिए कहा, जिस पर अश्विन भड़क गए और उन्होंने इशारों में याद दिलाया कि रिव्यू लेने का टाइम पूरा हो चुका है, जिसके बाद यंग ने रिव्यू लिया है। दोस्तों आपको बता दें, विल यंग के रिव्यू की अपील को खारिज कर दिया गया और उन्हें आउट करार दे दिया गया। हालांकि विल यंग, दोस्तों आपको बता दें, अगर वक्त रहते रिव्यू ले लेते तो वो नॉट आउट होते। दोस्तों आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं किस तरीके से अश्विन भड़क गए थे अंपायर पे। दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।